सिहावल की जनता है, जो पब्लिक है, उनको तीसरा ऑप्शन मिल चुका है और ये पब्लिक तय करके दिखा देगी कि ये गढ़ कितने मिनट कितने समय लगता है टूटने में, क्योंकि किसी चीज का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। चल रहा है सर, आपको भी नॉलेज है, अभी मैं घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन जब हम पद पे जाएंगे, हम सरकार में जाएंगे और हमारा जब यहाँ से विधायक बन के भोपाल में जाएगा, विधानसभा की भी बात कर रही हूँ, जो यहाँ का स्वास्थ्य पहला मुद्दा वो रहेगा, दूसरा मुद्दा यहाँ का जो शिक्षा है वो रहेगा, तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यहाँ की लाइट की व्यवस्था जो है वो रहेगा, चौथा मुद्दा आवारा पशुओं को आप देख रहे हैं वो रहेगा, और जो सबसे बड़ी बात, आए दिन हम बहन बेटियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार होता है, वो तो बिल्कुल ही बंद करा के हम लोग दम लेंगे, क्योंकि हम लोग नारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। 2023 चुनाव दंगल शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है अब तारीख भी ऐलान कर दिया गया है, और मैं अगर बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी की चौथी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है, अगर मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी की तो रात में ही बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो अपने प्रत्याशियों का पत्ता खोल दिया गया है। सीधी जिले की अगर मैं बात करूं तो सीधी जिले में एक लौता सियावल विधानसभा 78 है, जिसमें कि सपा ने अपने बहुजन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, जिसमें कि रानी वर्मा जी को टिकट दिया गया है। अब कितना कारगर साबित होगा टिकट देना, मैदान में कितनी लड़ाई होगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में थी, अब तीसरा दल में अगर मैं बात करूं तो सियावल विधानसभा में टक्कर देने के लिए रानी वर्मा जी मैदान में उतर चुकी हैं, टिकट की भी घोषणा हो चुकी है। आइए हम रूबरू होते हैं और जानेंगे हर मुद्दे को लेकर कि मैदान में किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा और क्या स्थिति बने रहेगी और क्या आगे की क्या रणनीति उनकी रहेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट दे दिया गया, 78 का प्रत्याशी बना दिया, कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल के माध्यम से हमारे विधानसभा सिहावल की जो जनता है उसको हम जय भीम जय जोहर, यथा उचित हमारा चरण वंदन प्रणाम सबको। और ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद हमें मिला है सर, तो वो हमें नहीं मिला है, जो हमारे संगठन के जुझारू लोग हैं, हमारा जो संगठन है, हमारे जो युवा, हमारे जो गण हैं, युवा गण हैं, साथी गण हैं, जवाब क्रांतिकारी सिपाही हैं, उनको मिला है, रानी वर्मा को संबल नहीं मिला है सर जी। सामने भी चुनौती रहेगी कि मैं अगर तुम भारतीय जनता पार्टी की तो राज्य में केंद्र में अगर बात करूँ तो दोनों ही जगह पर थी, ठीक है, सियावल विधानसभा के विधायक अलग थे, तो जो तरह तरह की योजनाएं प्रलोभन जो सामने पर आ रहा है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना या लाडली ये योजना, सिलेंडर की बात करें या उसकी बात करें, फ्री कैश जो चल गया है, तो इस फ्री के सिस्टम से निपटने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हमारी पार्टी पहले तो वो लोगों को ठगने का काम नहीं करती है, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करती है। यहाँ पे जो सत्ताधारी है वो 1000 रुपए लक्ष्मी लाडली बहना के नाम पे हम महिलाओं को लूटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ ये कहती है कि हम 1500 देंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो हमारी माननीय बहन जी जो है, जब उनकी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने देखा है आलीशान उन्होंने सरकार को चलाया है, हमारी बहन बेटी खुलेआम 12-2 बजे रात रोड पे घूमती थी, मजाल है, कोई आंखें नहीं उठा के देखता था, तो ये बहन जी ने करके दिखाया है। यदि हमारे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो पब्लिक बाखूबी देख लेगी कि किस तरह से शासन चलाया जाता है, किस तरह से जो उनका अधिकार है मिलता है, दिलाया जाता है, ये बहन जी दिखा देगी 2024 में पब्लिक को। अगर मैं बात करूं सिहावल विधानसभा की, तो सिहावल विधानसभा की अगर बात करूं तो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ कहलाया, अब दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपका मुकाबला होगा, और दोनों प्रत्याशी अगर मैं बात करूं तो अगर एक तरफ तो दोनों तरफ जेंट्स हैं और आप लौकी एक महिला हैं जिनको टिकट दिया गया है, तो क्या मुकाबला रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने ये बात सही बोला है, मैं कई बार अपने इंटरव्यू में ये बोलती भी आई हूँ कि ये कांग्रेस का 45 साल से गढ़ रहा है, ये बात हर कोई जानता है, वाकिफ है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, इस बार का जो चुनौती है हमारे सामने, तो पब्लिक ये 2023 में जो परिणाम है वो परिणाम में सिद्ध करके दिखा देगी कि अब यहाँ का जो गढ़ था बहुत जल्द 2023 में ही टूटने जा रहा है।
और जो सिहावल की पब्लिक है, जो सिहावल की जनता है, ये तीसरा ऑप्शन न मिलने के कारण कहीं कहीं उनकी मजबूरी थी, लेकिन हमारी जो सिहावल की जनता है, जो पब्लिक है, उनको तीसरा ऑप्शन मिल चुका है और ये पब्लिक तय करके दिखा देगी कि ये गढ़ कितने मिनट कितने समय लगता है टूटने में, क्योंकि किसी चीज का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। सवाल और पूछेंगे, सिहावल विधानसभा की जिस परिस्थिति में यहाँ की आप बहू भी हैं, बेटी भी हैं, सब कुछ है और आपने सब कुछ यहाँ पर देखा है, तो अब जब चुनाव मैदान में आप हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? जैसे आपके पार्टी का मैनिफेस्टो तो अलग होगा, लेकिन सिहावल विधानसभा के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? क्या ऐसी कुछ घोषणाएं होंगी? अभी आचार संहिता लगी, मैं घोषणाएं तो नहीं कहूंगा आपको, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लान होगा, ऐसा कुछ होगा कि जो आप 8 से 10 घोषणाएं बनाएंगी और जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरी घोषणाएं हैं, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं इन इन वादों को पूरा करूंगी? बिल्कुल, अभी मैं चूंकि आचार संहिता चल रहा है सर, आपको भी नॉलेज है, अभी मैं घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन जब हम पद पे जाएंगे, हम सरकार में जाएंगे और हमारा जब यहाँ से विधायक बन के भोपाल में जाएगा, विधानसभा की भी बात कर रही हूँ, जो यहाँ का स्वास्थ्य है पहला मुद्दा वो रहेगा, दूसरा मुद्दा यहाँ का जो शिक्षा है वो रहेगा, तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यहाँ की लाइट की व्यवस्था जो है वो रहेगा, चौथा मुद्दा आवारा पशुओं को आप देख रहे हैं वो रहेगा, और जो सबसे बड़ी बात, आए दिन हम बहन बेटियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार होता है, वो तो बिल्कुल ही बंद करा के हम लोग दम लेंगे, क्योंकि हम लोग नारी का मान सम्मान करना जानते हैं। माननीय बहन जी ने खुद उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की है अपने शासन काल में, और वही अगर एक भी विधायक विधानसभा सियावल से बन के यदि भोपाल में जाता है तो सबसे पहले हमारे इस विधानसभा सियावल की अथवा हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहले बहन और बेटी सुरक्षित पाई जाएंगी। अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न इसलिए होगा क्योंकि समय का अभाव देखते हुए, अब जैसे मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मौजूद पर है, टिकट की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी भी हो चुके हैं, ये अपने वोटरों को लुभाने के लिए साम दंड भेड़ सारी इस्तेमाल करेंगे, तो इसका विकल्प आपके पास में क्या होगा? क्योंकि इस अगर चुनाव मैदान में देखा जाए तो सारी चीजें यहाँ पर सम्मिलित हो जाती है, चाहे पैसे हो गए चाहे वो हो गए, ये सारे के मुकाबला बटे के लिए आप क्या कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सर पब्लिक के बीच में जाती हूँ, उनसे मैं मिलती हूँ, मैं बातचीत करती हूँ, पब्लिक रिस्पॉन्स में हमें यही देती है कि इस बार हम लोग समझदार हो गए हैं, अब हम लोगों की जो बुद्धि है वो जग गई है, हम लोग ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे, जो गलती करके एक ऐसे राजा का हम चुनाव कर लेते हैं जहाँ पे हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती है, तो वो बाखूबी समझ गए हैं, ये अपना पूरा साम दाम दंड वेद कुछ भी लगा ले, कुछ इनका कामयाबी होने वाला नहीं है, सफलता मिलने वाली इनको नहीं है, 2023 में इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जैसी हमारे की जनता रहेगी। और दूसरी बात, लोगों का ये भी बातें निकल के आ रही है सामने, ये जो कुछ हमें देंगे, पौवा पनसौवा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ देंगे तो ले सब कुछ लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, ये पब्लिक का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो उनकी दैनिक हालत है सर, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानेगा, मैं फील्ड कर रही हूँ 10 महीने से, तो ना जाने के लिए रोड है, ना बिजली है, ना कुछ है, ना कुछ है, बेचारे गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या मानती है इस बार परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन, ओनली वन परिवर्तन, सिहावल में परिवर्तन 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 होगा 2023 में। कितने वोटों से आप विजयी हो सकती? मैं बहुत वोटों से विजयी हो सकती हूँ, लगभग कम से कम तो 15 से प्लस इनको मैं विजयी होकर दिखाऊंगी, ये हमारे जनता का दावा है, मेरा नहीं है सर। तो हमने पूरी बारीकी से एक एक प्रश्न का जवाब लेने का प्रयास किया, 2023 का चुनाव जिस प्रकार से संपन्न हो जाएगा, दिसंबर तक में रिजल्ट भी आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा कि कौन सी जो पार्टियां हैं वो सत्ता में आती हैं या फिर कौन सा विधायक होते हैं जो परचम लहराते हैं। कहीं न कहीं पे अगर बात करूं तो एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिहावल विधानसभा का राजनीतिक समीकरण में एक बात का मैंने गौरव किया है, जो हम लोग सर्वे करते हैं तो सियावल विधानसभा में एक समीकरण सबसे ज्यादा होता है, पहले तो मुद्दा विकास का होता है, फिर विकास का मुद्दा, फिर वो जातिगत समीकरण पर कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे वोटिंग आने तक में वो जातिगत समीकरण पर विभाजित हो जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि सियावल विधानसभा क्या जातिगत समीकरण पर विभाजित हो जाता है और जैसा कि बहन जी ने कहा इस पर परिवर्तित होता है, देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज जौहर के साथ।